तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी, एक न्यू अपडेट के साथ आते हैं। तो आज की वीडियो में वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड एक और नई जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वेटनरी डिप्लोमा से रिलेटेड एक और नई जानकारी देखने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, इसको वेटनरी डिप्लोमा करने के बाद हमारी जॉब कहाँ लगेगी, क्या डायरेक्ट जॉब लग जाएगी, इसको करने के बाद क्या स्कोप है इसमें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, ये आंसर मैंने खुद नहीं दिए, ये अभी तक जितने लोगों ने भी यह डिप्लोमा किया है, वो डिप्लोमा के बाद क्या कर रहे हैं, उन सारे लोगों का रिस्पॉन्स लिया है मैंने। फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे एक मैंने फेसबुक को प्लेटफॉर्म चुना। ये AVFO MP गवर्नमेंट का एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप। इसमें लगभग सभी डिप्लोमाधारी जुड़े हुए हैं, 90% इसमें जुड़े हुए हैं, 90%। फ्रेंड्स, ये AVFO MP गवर्नमेंट नाम के नाम से ग्रुप है, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने इसके दाहेट के ऑनलाइन फॉर्म कर रहे थे, तो मैंने एक आईडी से इस पर एक पोस्ट किया, भाइयों मैंने दाहेट का फॉर्म डाला है, क्या यह कोर्स भविष्य के लिए सही रहेगा। तो इस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये कोर्स सही है कि नहीं, मैंने इसमें जानने की सारी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं इस पोस्ट में काफ़ी कुछ कमेंटें आई हैं, आइए हम इसे पढ़ते हैं। ये सारी कमेंट हैं जितने लोगों ने डिप्लोमा कर चुके हैं उन लोगों ने की हैं। तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें स्कोप है या नहीं है, आगे चल के हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है इस डिप्लोमा को करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर आशीष कुमार जी लिख रहे हैं, नो हमने किया है। तो यहाँ पर मैंने इनको रिप्लाई दिया, क्यों भाई, इसकी वैकेंसी नहीं आती क्या? तो आशीष कुमार बोल रहे हैं, नहीं। मैंने कहा, 2017 के बाद नहीं आई। तो उन्होंने कहा, नो। तो यहीं पर अमित शर्मा बोलते हैं, बहुत स्कोप है, जल्दी ही वैकेंसी आएगी। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, 27 वीक पुरानी कमेंट है, 27। यहाँ पर प्रदीप राजपूत लिखते हैं, नो। तो हमने पूछा, क्यों भाई? तो प्रदीप राजपूत बोल रहे हैं, तुम बन गए हो क्या AVFO? फ्रेंड्स, दाहेट करने के बाद हमारी AVFO की जॉब निकलती है, तो उसको हमें अप्लाई करने पड़ता है और एग्ज़ाम को निकालना पड़ता है, तब हम AVFO बन जाते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, अभी हमें दाहेट का एंट्रेंस देना है। प्रदीप राजपूत जी बोल रहे हैं, वैकेंसी नहीं आती इसकी। तो हमने बोला, भाई जी, और हम एनिमल्स को प्राइवेट ट्रीट नहीं कर सकते? तो प्रदीप राजपूत जी बोले, नहीं भाई, प्राइवेट नहीं कर सकते। भाई, इसकी टोटल फीस कितनी लगती है? तो अमित शर्मा ने बोला, फीस 1,18,000 नॉर्मल सीट, 1,98,000 पेमेंट सीट। फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। यहाँ पर हीरेंद्र चौरसिया ने बोला, नहीं करना भाई। तो मैंने पूछा, भाई समस्या कहाँ बनती है? तो इस पर इनका कोई रिप्लाई आया नहीं। तो यहाँ पर वहीं आप देख सकते हैं, नरेश केवटी जी ने लिखा, आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो मैंने बोला, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर कुलदीप जी लिख रहे हैं, धोखा भाई, बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने पूछा, भाई, इससे हम एनिमल्स को प्राइवेट ट्रीट नहीं कर सकते? तो नरेश केवट जी लिख रहे हैं, कर सकते हैं। तो मैंने पूछा, क्यों भाई? तो निशु पारासर जी बोल रहे हैं, सब रो रहे हैं जितनों ने भी किया है, वैकेंसी निकलती है तो ठीक, नहीं तो इससे अच्छा तो 12th की मार्कशीट है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमाधारियों का क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। यहाँ पर प्रतीक नामदेव जी लिखते हैं, हाँ। तो मैंने ये, और यहीं पर कुलदीप सिंह जी लिखते हैं, नो, करने वाले पैसा बर्बाद कर बैठे हैं। तो मैंने यहाँ पर इनसे फीस पूछ ली, कितनी फीस लगती है भाई जी? इन्होंने बताया, 1,27,000। और बोलते हैं, क्या मिलता है? मैंने कहा, भाई, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वो तो शायद मिलती है पर 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। भाई, डिप्लोमा करने के बाद हम एनिमल्स को प्राइवेट ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? मैंने पूछा। तो आकाश कुशवाहा जी ने बोला, मिलती है ब्रो, 57,000 पर ईयर। आकाश कुशवाहा जी बोल रहे, कर सकते हैं, करो, हर गांव में गौ सेवक तो हैं ही। भाई जी, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है? मैंने पूछा। तो ये बोल रहा है, यहाँ ने नॉर्मल और पेमेंट सीट का डिटेल में बताया है, स्कॉलरशिप नहीं आती पेमेंट सीट में। भाई, नॉर्मल सीट कैसे मिलती है? भाई, ये सीट मेरिट लिस्ट पर मिलती है या हमें सेलेक्ट करना पड़ता है? मैंने पूछा था जब उस टाइम जब हम ऑनलाइन फॉर्म कर रहे थे हमारी। तो यहाँ पर प्रमोद श्रीवास जी बोलते हैं, पैसा बर्बाद होगा। तो मैंने पूछा, फीस कितनी लगती है? तो फीस के उन्होंने बताया डिटेल में।
और इतना पैसा देने के बाद मिलता क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। ये तो फ्री सीट का फीस है, पेमेंट सीट का फीस 20K+। तो मैंने पूछा भाई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो प्रमोद श्रीवास जी बोले 12,000 एनुअल मिलती है, मिलता है। ये स्कॉलरशिप का थोड़ा बात किया था मैंने। तो यहाँ पर कुलदीप जी लिखते हैं नो। यहाँ पर डॉक्टर विमलेश वनकर जी बोलते हैं हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, करके तुम भी हो जाओ। तो मैंने ये फ्रेंड्स अगला देखते हैं। यहाँ पर आकाश अक्की सावनर ने बोला 2 साल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, नौकरी लग जाए, और अगर खतरों से खेलना हो तो 2 साल का डिप्लोमा कर लो फिर तैयारी करो। फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी मज़ेदार कमेंट किया। तो मैंने पूछा भाई जी आपने तो डरा दिया, लेकिन आप खतरों से निकल कर पास हो गए। फ्रेंड्स इन्होंने 2017 के बैच में नौकरी लगा ली थी, तो मैंने रिप्लाई दिया था कि आप खतरों से निकल कर पास हो गए। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कुछ भाई 2011 बैच के अभी तक फालतू बैठे हैं मेरे साथ के, अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो कर लेना, डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। ये फ्रेंड्स ये 2000 इनके जो कुछ भाई थे जो इन्होंने इनके साथ किया था, तो वो 2011 से अभी तक बेरोजगार हैं ये बता रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई डिप्लोमा करने के बाद हम एनिमल्स को प्राइवेट ट्रीट नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा भाई 2011 के बाद AVFO की कितनी बार वैकेंसी आई है। इसके बाद फ्रेंड्स रितेश तिवारी जी पूछ रहे हैं मत करना वैकेंसी प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा क्यों भाई लगभग कितने सालों के अंदर से आती है वैकेंसी। तो ये सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कितने साल से बेरोजगार हो तिवारी सर, अभी तो पढ़ाई चल रही है लेकिन फीस के हिसाब से फैकल्टी नहीं है और वैकेंसी ना के बराबर आती है। तो इन्होंने बोला 3 से 4 साल के अंदर में वैकेंसी आ जाती है। अजय सिंह बोल रहे हैं कोई स्कोप नहीं है। निशु पारस जी पारा सर जी बोल रहे हैं नो। लेखराम तेलगाम जी बोल रहे हैं हाँ। मैंने पूछा क्या बोल रहे हो भाई। वहीं अगर देखें नेक्स्ट कमेंट तो ये PD सर बोल रहे हैं नो। मैंने पूछा क्यों भाई, तो रिप्लाई नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने रोशनी RI जी ने बोला यस बट वेट करना होगा। ये ER इंजीनियर प्रियंका यादव जी बोल रही हैं मत करो, कोई स्कोप नहीं है, उसकी वैकेंसी भी बहुत टाइम से नहीं आएगी आई है, जो लोग कर चुके हैं वो लोग वैकेंसी का कब से वेट कर रहे हैं, टाइम और मनी दोनों का वेस्ट है, ये गलती हम कर चुके हैं, तुम लोग मत करो। तो मैंने पूछा मैंने बोल दिया थैंक यू। ये सारे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितनों ने ये वेटनरी डिप्लोमा किया है वही इस पर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप उन्हीं का AVFO उसका है, इसमें लगभग सभी डिप्लोमाधारी जुड़े हैं। फ्रेंड्स ये संतोष खन्ना जी बोल रहे हैं हाँ ये बिल्कुल सही है। मैंने पूछा आपने किया है, नहीं तो ये ऐसा ही बोल रहे होंगे। तो राहुल चौबे जी बोल रहे हैं बकवास डिप्लोमा है। मैंने पूछा क्यों, तो इन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया। रोहित तिवारी जी ये देवास देवास रसक जी बोल रहे हैं बेकार डिप्लोमा है, इतना स्कोप नहीं है, डिप्लोमा करने के बाद चप्पल चटकाते रहना। निशु पारा सर जी बोल रहे हैं जितनी फीस है उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट करके चलो, कर दे आगे चल के पैसा काम आएंगे, एक नंबर का, ये आप पढ़ लेना, जिंदगी बर्बाद करने वाला डिप्लोमा है। तो मैंने बोला भाई जी फीस कितनी लगती है, इन्होंने बता दिया 50K पेमेंट सीट और 30K नॉर्मल सीट, इससे अच्छा डिप्लोमा कर लो कहीं भी जॉब लग जाएगी, डी फार्मा कर लो, ये भी 2 साल का है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेम की, और 4 सेमेस्टर होते हैं। निसुपारा सर जी से मैंने पूछा भाई जी और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो इन्होंने स्कॉलरशिप ली नहीं। सचिन साहू बोल रहे हैं धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इन्होंने बोला एज कम है तुम्हारी, वेटनरी डिग्री की प्रिपरेशन करो और जब तक फार्मेसी करो, इन्होंने मुझे सलाह दी। इसी के बाद शशांक दुबे जी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं है। मैंने पूछा धन्यवाद भाई। तो ये फिर मैंने पूछा भाई लोग ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है, तो यहाँ पर ये रिप्लाई दिया दोनों में सामने वाली की समझा रहे हैं मान जाओ, दूसरा देख लो फ्यूचर बन जाएगा, यहाँ सब डिप्लोमा किए हुए परेशान हैं, अगर आना ही है तो मोरेना कॉलेज में आना, सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर निशु पारा सर जी ने बताया कि अगर आप कर ही रहे हो तो मोरेना कॉलेज से करना, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये बोल रहे हैं बकवास सरकार का बकवास डिप्लोमा। अरुण प्रजापति बोल रहे हैं मत कर भाई कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। अगर अब आप सोच लीजिएगा आपको ये डिप्लोमा में एडमिशन लेना है या नहीं, मैंने आपको इसकी सच्चाई बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अब भी ये डिप्लोमा अच्छा लगता है तो आप इसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तो ये आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, आपकी
ऐसा नहीं होता कि तुरंत नौकरी लग जाए आपको और पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे ही डिप्लोमा करें और आपकी तुरंत जॉब लग जाए, आपको और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी जॉब लगेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा काम आपको सच्चाई बताना था कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि डिप्लोमा कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, तुरंत जॉब मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम पे वैकेंसी आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको वो टाइम भी लग सकता है इस डिप्लोमा को करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।